बीते साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था और जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। न सिर्फ अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया बल्कि अनुच्छेद 35A को भी निरस्त किया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर में तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के दर्जनों नेताओं को नजरबंद किया गया था। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम ऐसी गिरफ्तारियों से संबंधित सार्वजनिक सुरक्षा कानून की चर्चा करेंगे। सार्वजनिक सुरक्षा कानून की शुरुआत उस समय की गई थी जब जम्मू कश्मीर में लकड़ी तस्करी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही थी। इस अपराध के लिए अपराधियों को कोई कठोर सजा भी नहीं मिलती थी, छोटी मोटी सजा पाकर ये अपराधी आसानी से छूट जाते थे। इसी समस्या से निपटने के लिए 8 अप्रैल 1978 को जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने किया था। बात की जाए 1990 के दशक की तो उस समय राज्य में उग्रवादी आंदोलन काफी जोरों पर था, तो इन दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए सूबे की सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 एक प्रकार का निवारक कानून है जिसके जरिए किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोका जाता है जिससे राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। देखा जाए तो कमोबेश यह कानून भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की तरह ही काम करता है जिसका प्रयोग अन्य राज्य की सरकारों द्वारा नजरबंदी के लिए किया जाता है। यह अधिनियम दंडात्मक निरोध न होकर केवल संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक प्रशासनिक आदेश होता है। पदाधिकारी द्वारा पारित ऐसा आदेश सद्भाव में किया गया कार्य माना जाता है, इसलिए आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध जाँच नहीं की जा सकती। पीएसए के तहत गिरफ्तारी के आदेश पारित होने के 4 सप्ताह के भीतर सरकार को मामले को एक परामर्शी बोर्ड में भेजना होता है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश ही होता है। बोर्ड के सामने डीएम उस नजरबंदी के आदेश को प्रस्तुत भी करता है और उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व भी करता है, लेकिन व्यक्ति चाहे तो वह बोर्ड के समक्ष अपनी बात स्वयं भी रख सकता है। यह बोर्ड आदेश पारित होने के 8 सप्ताह के भीतर अपनी अनुशंसा देता है, लेकिन यदि बोर्ड को यह लगे कि बंदीकरण के पीछे ठोस कारण है तो सरकार गिरफ्तारी की अवधि को 2 साल तक बढ़ा सकती है। इस तरह इस अधिनियम के अनुसार सरकार चाहे तो 16 वर्ष से ऊपर की आयु वाले किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक बंदी बना सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था के लिए खतरा है तो उसे 1 वर्ष के लिए बंदी बनाया जा सकता है। पीएसए उस व्यक्ति पर भी लगाया जा सकता है जो पहले से पुलिस हिरासत में है या जिसे अदालत से जमानत मिल चुकी है। इतना ही नहीं, इस अधिनियम का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है जिसे अदालत ने बरी कर दिया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पीएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को हिरासत के 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सामान्य पुलिस हिरासत के समय ऐसा करना होता है। अधिनियम के अनुभाग 22 के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास अदालत के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करने का भी अधिकार नहीं होता और इस संबंध में वह किसी वकील की भी सहायता नहीं ले सकता है, लेकिन हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदार बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं। ऐसी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन यहां से याचिका खारिज होने के बाद व्यक्ति के पास अन्य विकल्प नहीं होता। गौरतलब है कि बीते साल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इस अधिनियम में संशोधन करके प्रावधान किया कि अब इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को राज्य के बाहर भी रखा जा सकता है। इन्हीं व्यवस्थाओं के मद्देनजर अलग अलग सरकारों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध इस कानून का बार बार दुरुपयोग किया है। इसी कारण इस कानून को निर्मम कानून भी कहा जाता है। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में बस इतना ही। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।